फ्रेंड एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो है जो बहुत ही खास होने वाला है, आज का वीडियो है जो धर्म संबंधी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसा तरीका आप लोगों के सामने लेके आए हैं जिससे आप बहुत ही जल्दी है जो अपनी जो धड़न नाप इन की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो। इसमें आपको है जो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और किसी दूसरे व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप है जो अपनी धड़न को है जो ठीक कर सकते हो। तो चलो बताते हैं कि वो तरीका है जो कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने जो पाँव है इस तरीके से करने हैं टच, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से टच कर लीजिए आगे से और पीछे से जो एड़ी है एकदम टच करनी है। और फिर यहाँ से इस तरीके से है जो पकड़ना है अपने पैर को इस तरीके से, और दोनों पैरों को है जो यहाँ से है जो इस तरीके से करना है। फिर आपको क्या करना है कि इस तरीके से अपने जो पैर हैं इनको हिलाना है, मतलब बटरफ्लाई की तरह आपको अपने इन पैरों को है जो इस तरीके से हिलाना है। जिनको भी धड़न की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा जो योगा है इसको करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम मॉर्निंग में 5 मिनट के लिए इस योगा को करें, उनको ज़रूरी है जो फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा तरीका है आप लोगों की धड़न नाप इसको ठीक करने के लिए। तो आप एक बार है जो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि योगा से है जो किसी तरीके का है जो नुकसान नहीं होता आपके शरीर को, उससे आपको फ़ायदा ही होता है। आप इस तरीके से कर सकते हो, इससे कोई है जो गलत प्रभाव है जो नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कीजिए और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे है जो फॉलो कर सकते हो, हमारी आईडी आपको अबाउट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से 5 मिनट के लिए करना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एडियों के पास में है जो इस तरीके से तेल लेना है सरसों का तेल, और यहाँ पर है जो मालिश करनी है दोनों अंगूठे और इससे इस तरीके से। पहले योगा कीजिए फिर इस तरीके से मालिश कीजिए। तो ये दो तरीके से यदि आप चाहो तो अपनी धड़न को है जो ठीक कर सकते हो। दो दो मिनट के लिए आपको है जो मसाज करनी है इस तरीके से। ज़्यादा सा ऑयल लगाना है और फिर इस तरीके से करना है। इसमें क्या है कि आप लोगों की धड़न भी ठीक हो जाती है, और यदि आपके पैर में यदि दर्द रहता है तो वो दर्द है वो भी ठीक हो जाता है, उसमें भी आपको है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप है जो कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।